अच्छा एक बात पूछें आपसे, आपका कभी भगवान की छोटी सी छवि, छोटी सी मूर्ति, छोटे से बाल कृष्ण लाल को देखकर कभी क्या ऐसा मन होता है कि प्रभु जैसी लीलाएं आपने यशोदा मैया के यहाँ करी हैं आप ना आ पाओ, लेकिन आपके जैसा ही हमारे यहाँ ऐसा छोटा सा प्यारा सा लड्डू गोपाल जैसा शैतानी करने वाला, परेशान करने वाला, भले ही भगवान ना हो पर इंसान ही जन्म ले जाए, बोलो। अच्छा चलो, ये तो कभी कभी लगता है, पर जब वो जन्म ले जाए और शैतानी ज्यादा करने लग जाए तो कई बार मैया कहती है, हे भगवान जैसे तो हम वैसे ही ठीक थे, बोलो राधे राधे। लेकिन ईमानदारी से बताऊं, 5 वर्ष तक किसी भी बालक में भगवान का ही रूप होता है, कोई भी बालक हो। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, 5 वर्ष तक के बालक से और कन्याओं से कभी पैर नहीं छुलवाने चाहिए। और ये बात मैं आज टीवी चैनल पर और यहाँ के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हम अधिकांश कई स्थानों पर जाते हैं, हमारे साथ बड़ी विडंबना रहती है, छोटी छोटी कन्याएं आती हैं, वो व्यासपीठ को प्रणाम करने के चक्कर में कई बार हमारे को प्रणाम कर लेती हैं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, फिर मुझे उतर के उनको प्रणाम करना पड़ता है। देखो ये मेरी बहनों को, ये टीवी पर देखने वाले सभी सुधीजनों को मेरा निवेदन है, मेरा बार बार उन सबसे आग्रह है, कभी भी कन्या को, कभी भी 5 वर्ष से छोटे बच्चे को, किसी भी व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य को, किसी भी महात्मा को, किसी भी संत को प्रणाम कराने से पहले कन्या देवी का रूप है, और 5 वर्ष से नीचे जो बालक है वह भगवान का रूप है, आप उसे ही प्रणाम करें। आप स्वयं किसी आचार्य को प्रणाम करवाने के उस बालक का अधिकार नहीं है कि वह किसी को प्रणाम कर सके, उसे तो स्वयं हम लोग प्रणाम करते हैं। और मेरा नियम है, मैं कहीं भी जाता हूं कन्याएं होती हैं मैं उन्हें देवी मानकर, और करना ही चाहिए, बोलो राधे राधे। तो आग्रह मेरा सिर्फ ये है, कभी भी व्यासपीठ पर बैठे हुए, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा पता चल जाता है तब तो हम झुककर प्रणाम करते ही हैं, कई बार हमारा ध्यान इधर उधर होता है और कोई छोटी छोटी कन्याएं आ जाती हैं, वो कई बार प्रणाम करके चली जाती हैं। तो कृपया ऐसा करके हम लोगों को पाप में न डालें, आप देवी मैया हैं, आप अपने बच्चों को ऐसा सिखावें, आप व्यासपीठ को प्रणाम करें, आचार्य को प्रणाम न करें, बोलो राधे राधे।